हाँ हिंदी दो वर्ड्स एक वर्ड औरते औरतें 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 नो आई जस्ट फील इनकी इनके बारे में कहानियाँ हमारे बारे में कहानियाँ uh, अगर सुनाई जाती है तो एक बहुत ही मेल लेंस के थ्रू सुनाई जाती है uh, कोई एक छोटी सी सिर्फ एक टॉपिक की बात नहीं है एक बिहेवियर की बात भी है कि एक औरत एक सिचुएशन में होगी तो कैसे बिहेव करेगी मर्द का नज़रिया अलग है औरत का नज़रिया अलग है आज तक हमने मर्द के नज़रिए से औरतों को देखा है स्क्रीन पर मैं चाहती हूँ कि औरतें अपना लेंस यूज़ करें और बताएं अपनी कहानियाँ और इसका मतलब ये नहीं कि ये बेटर होंगी या कम होंगी बट एटलीस्ट एक परस्पेक्टिव तो दिखेगा कि औरतें कैसे दिखती हैं औरतों को और उनकी कहानियों को लेकर उनके मैनरिज्म को लेकर बिहेवियर को लेकर प्लॉट लाइन को लेकर बाय द एंड ऑफ इट हम अलग जेंडर्स हैं वी ब्रिंग इन आवर ओन इंडिविजुअलिटी तो वो इंडिविजुअलिटी एज अ फिल्म मेकर देखनी बहुत ज़रूरी है दैट फीमेल लेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नमस्कार मैं हूँ तारा कश्यप खुराना और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स तो बहुत बहुत स्वागत और शुभकामनाएं इसी में आप आई और यहाँ पर अच्छा, आयोजन आपका एकदम बहुत अलग है एक अलग मंच पर है क्या कुछ रहा इस बार बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आगे एक बहुत ही अच्छी पैनल डिस्कशन हो रही थी बुक्स अडेप्ट स्क्रीन प्ले और सिंस uh, मैंने दोनों चीज़ें करी हैं तो एक परस्पेक्टिव uh, शेयर किया मैंने अपना काफ़ी अच्छे पैनलिस्ट थे कोई नेटफ्लिक्स से थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से थे प्रोड्यूसर्स थे

No, So I think uh, what actors do—it's really, really beyond looks. its, it's the talent, that's the craft that they have. And to become an actor, uh, it's, it's, its very important to have this life skill. Um, so yeah, no, no. I'm be acting But I am a great narrator. I am a great storyteller. And uh, I don't want to be appreciated as a writer, author, and a director.

मेरी um, फीचर का नाम है शर्मा जी की बेटी uh, और uh, मैं अपसेस्ड हूँ औरतों को लेकर एंड उनकी कहानियाँ को लेकर एंड um, ये एक बहुत ही um, खुश मिजाज हैप्पी स्लाइस ऑफ लाइफ फनी फिल्म है एंड uh, अगले साल आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू रिलीज एंड दिस इज दिस इज़ द वन थिंग दैट इज़ कमिंग एंड काफ़ी और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी अनअनाउंस्ड हैं Um, उसके बारे में भी पता चलेगा बट फिलहाल आई एम लुकिंग टू शर्मा जी की बेटी हाँ कहा बहुत मैं तो को लेकर तो विषय का चुनाव भी ऐसे करती हैं अच्छा ऐसे कौन कौन से विषय हैं जिन पर बहुत बात होनी चाहिए फिल्में बननी चाहिए खूब लिखना चाहिए बिल्कुल तो जो सहज हो जाए मतलब शायद यही आप भी करना चाहती हैं तो वो अगर टॉप थ्री जो तो दिमाग में अभी कुछ बुला रहा है कि इस पर खूब काम होना चाहिए आई थिंक प्रिडोमेंटली स्टोरीज टू डू विद डाम श्राड हिंदी दो वर्ड्स एक वर्ड औरतें 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 नो आई जस्ट फील इनकी इनके बारे में कहानियाँ हमारे बारे में कहानियाँ uh, अगर सुनाई जाती है तो एक बहुत ही मेल लेंस के थ्रू सुनाई जाती है uh, कोई एक छोटी सी सिर्फ एक टॉपिक की बात नहीं है एक बिहेवियर की बात भी है कि एक औरत एक सिचुएशन में होगी तो कैसे बिहेव करेगी मर्द का नज़रिया अलग है औरत का नज़रिया अलग है आज तक हमने मर्द के नज़रिए से औरतों को देखा है स्क्रीन पर मैं चाहती हूँ कि औरतें अपना लेंस यूज़ करें और बताएँ अपनी कहानियाँ और इसका मतलब ये नहीं कि ये बेटर होंगी या कम होंगी बट एटलीस्ट एक पर्सपेक्टिव तो दिखेगा कि औरतें कैसे देखती हैं औरतों को और उनकी कहानियों को लेकर उनके मैनरिजम्स को लेकर बिहेवियर को लेकर प्लॉट लाइन को लेकर बाय द एंड ऑफ इट हम अलग जेंडर्स हैं वी ब्रिंग इन आर ओन इंडिविजुअलिटी तो वो इंडिविजुअलिटी एज़ अ फिल्म मेकर देखनी बहुत ज़रूरी है एंड दैट फीमेल लेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उस करके uh, मैं फिल्में भी ज़्यादा लिखती हूँ uh, औरतों को लेकर ऑफकोर्स आई हैव मैन एज कैरेक्टर्स टू

सर so, नहीं मुझे लगता है एज अ वुमन फिल्म मेकर बहुत चैलेंजेस होते हैं बट उस चैलेंज से सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपने जेंडर को लेके क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बॉक्सड हैं हमारे लिए अभी दो मिनट पहले मैं किसी से बात कर रही थी और उन्होंने कहा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि आपको लग रहा है कि चेंज हुई हैं आप पे चेंज हुए मैंने कहा जब मैं 20 साल की थी तो इतने कॉम्प्लेक्सेस थे और सिर्फ कॉम्प्लेक्सेस मेरी वजह से नहीं थे मुझ पर शायद सोसाइटी ने ऐसा दिखाया था एक टिपिकल स्टीरो टाइप था ऑफ अ ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट वुमन ऑल्सो नो इंटेलिजेंट वुमन आर नॉट सपोज टू लाफ लाउड जोर से हंसोगे जोर से होगा तो यू नॉट टेकन वेरी सीरियसली यू आर नॉट कंसिडर टू बी एन इंटेलिजेंट पर्सन इट वॉज अ परसेप्शन आई जस्ट फील दिस आर द वेरी स्मॉल चैलेंजेस दैट यू फेस एज बींग अुमन इट सेल्फ एंड इट रियली हैज़ हेल्प मी लिबरेट आई हैव रियली लर्न टू फो बी फो गिविंग टूवर्ड्स माई सेल्फ एंड एंड जो मैं हूँ जो इंडिविजुअलिटी मेरी है आई आई चेरिश दैट टू डे इवन मोर देन वॉट आई डिड एंड आई नीड मोर पीपल टू रिप्रजेंट दिस थ्रू द स्टोरीज थ्रू द फिल्म ताकि मैं रियलाइज करूँ कि यार दिस इज़ ओके यू नो एंड सो माई चैलेंज एज अ एज अ वुमन फिल्म मेकर इज नॉट जस्ट फ्रॉम द परस्पेक्टिव बट ऑल्सो सैडली सो पर अगर एक रूम में दस मर्द हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है टू टेक अ कमांड फ्रॉम अ वूमन आज भी आज भी एंड आई एम आई एम सेइंग इन आर इंडस्ट्री इन 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 फिल्म मेकिंग मे बी यू हैव क्रिएटिव आर्टिस्ट बिलीव इन इक्वालिटी मोर देन देन द जनरल पब्लिक

It's it's, it's uh, the same amount of money is not there for a, a debut uh, uh, male director. So the and, and I think the same goes for the actors also, and the same goes for other technical few departments also. So salary is an issue. Um, taking uh, uh, orders is an issue, um, and uh, at times you start rubbing off. Um, your partners or, or someone, a strong male influence in your life, you start rubbing off their characteristics onto you. You know, there's a certain expectation. But I'm just saying, you don't expect from a man. If a boy is a CEO and the wife is somewhere else working, you will not expect the CEO to be an extension of the wife. But somehow, women are supposed to be extensions of the men or the male counterpart. सो दे आर विद चैलेंजेस आर मैनी मैनी बट आई जस्ट फील दैट द फैक्ट कि जो मेरी फिल्म है वो मेल uh, प्रोड्यूसर्स ने बनाई है वेदर इट्स एलिप्स एंड अपलॉज वेदर इट्स अतुल कसबेकर तनुज गर्ग एंड समीर नायर दे ऑल आर मैन एंड सो इट डजेंट रिक्क्यर ओनली वुमेन टू ब फेमनिस्ट मैन नीड टू भी फेमनिस्ट बनाए आई एम सो हैप्पी दैट माई फिल्म इज प्रोड्यूस बाई मैन हु बिलीव इन द सेम कॉज एट आई डू और मुद्दे की मैं बात कर रहा था मुद्दा कौन कौन सा उठना चाहिए बाकी तो आपने ये इतने सारे मुद्दे तो बता दिए अब क्या मुद्दा मतलब की जैसे की कोई एजुकेशन की बात करता है इसके बारे में हम कैसे आपसे पूछते समय ऐसा लग रहा है कौन-कौन से मुद्दे जो आपको और वो गलत है क्योंकि जितना हम बात करेंगे हाँ मेरे ऐसे बहुत 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 सारे मुद्दे हैं अब वो टॉप थ्री देखने के लिए आपको मेरी फिल्म देखनी पड़ेगी क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आ, आ, जो एक सब सबलिमिनली एक आ, मजाकिया तौर पे आ, दर्शाया गया है। बट इट कम्स फ्रॉम द फैक्ट है कुछ मुद्दे हैं और वो आपको तीन मुद्दे नहीं आपको पांच औरतों की कहानी दिखेगी और उसमें उनके अपने अपने मुद्दे हैं uh, और सिर्फ uh, um, जो रिप्रेजेंटेशन मेरी फिल्म में है सिर्फ उनकी नहीं है जो ट्वेंटीज़ में है और जो मेन स्ट्रीम सिनेमा जिन्हें कहते हैं uh, सिर्फ उन्हीं की कहानियाँ नहीं है मेरी फिल्म एज ग्रुप देर टू वुमन वो फोर्टी एंड अबव दे टू गर्ल्स जो तेरह साल के यंग एडल्ट वुमन गर्ल ऑफ इंडिया उसके बारे में हमें कम पता है उसके बारे में भी हमें ज्यादा स्टोरीज नहीं पता उनके क्या चैलेंजेस हैं उनके क्या फेयर्स हैं उनकी क्या कहानियाँ हैं कुछ ज़्यादा पता ही नहीं है कितनी कहानियाँ देखी हैं आपने तेरह साल की औरतों के बारे में और बच्चों के बारे में आपका सही मैंने देखा एज भी आपका वो रहता है जिसमें आप बहुत ज्यादा सोचती हैं कि किस इट्स रिप्रेजेंटेशन सोदर year old in my film. So there are five women अक्रॉस डिफरेंट एज ग्रुप्स ये भी एक चीज़ में बताना चाहती हूँ कि जब कहानियाँ आती हैं औरतों के बारे में तो हमें लगता है कि यार ये तो एक औरत के बारे में बनाई तो वेरी गुड पर वो औरत का वो तो देखो एज डेमोग्राफी तो देखो वो हमेशा एक पर्टिकुलर तरीके की दिखती होंगी वो एक पर्टिकुलर एज ग्रुप की होंगी एक उनके बारे में कुछ होगा जो रेप्लीकेट होता रहता है बहुत सारी फिल्मों में एंड दैट्स अगेन एस स्टीरो दैट वी क्रिएटिंग

देखिए आप चूँकि बहुत अच्छे से बात कर रही हैं समझती हैं और जब हम ये बात करते हैं कि बॉलीवुड की बात करते हैं तो हम कई बार ना बॉलीवुड आप सबसे बना है और इस समय तो सबसे ज़्यादा उसमें यंग के उसमें ही चलता है तो हम कई बार सोचते हैं कि मैं ताहिरा से पूछूँ कि नहीं पूछूँ कि बॉलीवुड में जो फिसल रहा है या जो फिल्में कम काम कर रही हैं सबका पैंडमिक था सब कुछ था बाकी इंडस्ट्री अच्छा काम कर रही है बहुत ग्रोथ कर रही है बॉलीवुड क्यों है तो मैं आपके विचार जानना चाहता हूं मतलब क्योंकि आप भी बॉलीवुड है uh... क्या लग रहा है कहाँ पे चूक हो रही है क्या बदलाव होना चाहिए कहाँ पे हम कम काम कर रहे है? hmm. इतने -बड़ हैं इतने बड़े बड़े एक्टर्स है जो पांच पांच सौ करोड़ उनकी फिल्में आती लेकिन right. तो अभी हम पूरी right. तरीके से फिसले हुए हैं right. गलती कहाँ कर रहे हैं चूक कहाँ कर रहे हैं जस्ट फील हमें अच्छी कहानियां बनानी चाहिए Uh, जब अच्छी कहानी बनाएगी एंड इन फैक्ट रिसेंटली एक तो सबके अपने एल्गोरिथम्स हैं और सबके अपने अपने परसेप्शन है कि ये चल रहा है और जैसे हमें लगता है कि अच्छा ऐसे सिर्फ मैसिव बिग स्केल फिल्म चलेंगी तो वहीं एक उंचाई भी आती है जी विच डिड रियली रियली वेल एंड इट हैज़ अगेन नीना गुप्ता जी इट हैज़ अमिताभ बच्चन जी इट हैज़ अनुपम खेर जी आई मीन टू से ऑल वेटरन्स एंड बियॉन्ड अ सर्टन एज ग्रुप एंड देन यू हैव दैट फिल्म ब्रिंगिंग इन नंबर्स ऑफ द बॉक्स ऑफिस सो इट ऑल बॉयज़ डाउन टू डूइंग गुड सिनेमा मेकिंग गुड स्टोरीज दैट जो मोटिवेट करें लोगों को कि हम आए थिएटर पे देखें चाहे उसमें स्केल हो चाहे उसमें जो मर्जी हो पर कहानियाँ अच्छी बनानी चाहिए इज़ ऑल जो कहानियाँ अच्छी रही हैं एंटरटेनिंग रही हैं इंगेजिंग रही हैं जो किसी ना किसी तरीके से आपको मूव करते हैं चाहे गुस्सा दिलाएं चाहे खुशी दिलाएँ चाहे हंसी दिलाएँ चाहे रोना दिलाएं कुछ हिलाए तो सही अंदर इंसान के तो वो वो फिल्में अच्छी करी हैं और जो नहीं कर पाए दे डेंट वर्क एक फिल्मकार के तौर पर आपको क्या लगता है सुपरस्टार्स स्टार्स कहाँ पर चूक कर रहे हैं क्योंकि ये बॉलीवुड बनाते हैं ये आई डोंट थिंक कोई कहीं भी चूक कर रहा है सब अपने तरफ से अपना बेस्ट दे रहे हैं चाहे डायरेक्टर्स हैं चाहे राइटर्स हैं चाहे एक्टर्स हैं बट इट इज़ अ कोलाबरेटिव प्रोसेस किसी एक चीज जन पे आप किसी को चूक नहीं डाल सकते एक प्रोजेक्ट है इट इज़ नॉट राइटिंग राइटिंग अ बुक एक सोलो सॉलिट्यूड में प्रोसेस होता है फिल्म मेकिंग एक बहुत ही कोलैबोरेटिव प्रोसेस है राइटर की जब आपने राइटर की बात की आप, हम राइटर को इतनी इच्छा और अहमियत देते यू आर अ राइटर right. उस तरीके के पैसे उस तरीके का टाइम राइटर तो को स्क्रिप्ट लिखने के लिए देते दिया जाता है अभी तो कॉपी पेस्ट कर दिख रहा है जो, जो दिख रहा है right. आधा तो कॉपी पेस्ट हो रहा है और यू थिंक इज द रीजन आई जस्ट फील आई वोट से एवरी थिंग इज कॉपी पेस्ट सब कुछ कापी पेज तो नहीं बोलूंगी पर मुझे ऐसा लगता है कि इनफैक्ट मैं आपसे शायद उतनी सहमति नहीं रखती मुझे लगता है राइटर्स को तो ज़्यादा पे करना चाहिए हमारी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा मोर देन मोर देन अ डायरेक्टर मोर देन अन एक्टर मुझे लगता है अब जबकि हालांकि मैं डायरेक्टर राइटर दोनों हूँ पर मुझे पता है डायरेक्टर कैसे कुछ करेगा जब कोई कहानी कहानी ही नहीं होगी जब कोई बीज ही नहीं होगा सबसे मुश्किल काम होता है कुछ क्रिएट करना स्क्रैच से क्रिएट

तो तो फिर वो फिल्में भी नहीं चल रही हैं स राइटर का एक बहुत ही इन्वेस्टमेंट रहता है really well आयुष्मान को लेकर कब फिल्म बनाओगे आप? <laughs> तो ये होती है है मतलब मन में ऐसा कि देखिए बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि मैं उनकी पत्नी हूँ uh, किसी जमाने में गर्लफ्रेंड भी थी और किसी जमाने में फ्रेंड भी थी और किसी के जमाने में क्लासमेट भी थी तो उनका टैलेंट मैंने ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स बढ़ते हुए ही देखा है इज रियली वर्क एंड इम्प्रूव ऑन इनसे मैंने रियली अप्रिशिएट है एज एन आर्टिस्ट तो हर एक फिल्म uh, मेकर का एक uh, कीड़ा रहता है कि एक अच्छे आर्टिस्ट के साथ काम करे बट आई थिंक इट विल टेक टाइम क्योंकि uh, हम दोनों को एक थोड़ा सा है कि यार घर पे भी इकट्ठे और सेट पे भी इकट्ठे बहुत हो जाएगा एज <laughs> ऑफ uh, now हम दोनों अपने अपने uh, फिल्म को फिल्मों को लेकर बहुत बिजी हैं ही इज़ मेकिंग हिज ओन फिल्म एंड आई ऑल्सो हैव अ सर्टन जॉन्ड्राफ फिल्म एंड आई वॉन्ट टू मेक जिस दिन मैं ऐसा कुछ लिखूँगी एंड uh, उनको मन में रख के एक्चुअली किसी प एन एक्टर इन माइंड बिफोर राइटिंग स्क्रिप्ट पहले तो कभी बोला जाता कि, uh, के साथ कुछ करना तो दे हाँ जब से वो ड्रीम गर्ल बने तब से तो बोल सकते क्योंकि मेरी तो औरतों के बारे में ही ज्यादा फिल्म <laughs> होती है <laughs> अब शायद अब शायद वो बोले कि अरे औरत है तो उसको ले लो सो मे बी वान्स आई राइट स्क्रिप्ट स्ट्रॉग मैन कैरेक्टर्स इंडिया आई हैव मेल एस स्ट्रांग प्रोडग्निस्टर बट दिस सो मच आई वॉन्ट टेलबाउट वेमेन Uh, that i really co want to concentrate on that first and uh, when something comes up you never know thank you thank you thank you so much thank you